हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्यूचर हंट मैपटेक। गाइस, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे एंड्रॉयड की जो नेक्स्ट वीडियो में ट्यूटोरियल में। आज की वीडियो में हम करेंगे कि एक्सएमएल में प्रॉपरली लिस्ट व्यू कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने किया था कि जावा में हमने टू फाइल्स बनाई थी। एक फाइल का नाम था AMPL और सेकंड का माई अडाप्टर बनाया था। उसमें हमने क्या किया था, एक कस्टम मतलब माई अडाप्टर में कस्टम लेआउट लिया था ना, उसका नाम हमने ए लिस्ट ली थी, उसका नाम हमने कस्टम लिस्ट आइटम रखा था। अब इस कस्टम लिस्ट में हम कोडिंग करेंगे और एक लिस्ट बनाएंगे। मैं सबसे पहले आपको एक व्यू दिखा देता हूँ कि हम कैसी लिस्ट डिज़ाइन करेंगे। ये है मतलब लिस्ट, हम ऐसी लिस्ट डिज़ाइन करेंगे जो ये सीरियल नंबर आएगा। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ नेम आएगा। पहले हम डमी बनाएंगे, उसके बाद इसको हम डाटाबेस से फेच करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं हम ये वीडियो। सबसे पहले आपने क्या करना होगा, आपने आपकी एक्टिविटी में जाना होगा। जो मैंने सेकंड एक्टिविटी ली थी, मैंने आपको बताया था कैसे ली थी, उसमें क्या करना है, आपने एक रिलेटिव लेआउट लेना है, उसकी विड्थ एंड हाइट मैच पैरेंट रखनी है, और एक लिस्ट व्यू ले लेना है, उसमें एक लिस्ट लेनी है। ठीक है, जो भी है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था। अब क्या करना है, अब हम चलते हैं हमारी इस कस्टम लिस्ट आइटम में। ठीक है, जो हमने माई अडाप्टर में बनाई थी, इसमें क्या करना है, आपने एक लीनियर लेआउट ले लेना है। लीनियर लेआउट के बाद उसकी विड्थ हाइट आपने विड्थ करनी है मैच पैरेंट, एंड और उसके बाद हाइट उसकी हम रख लेते हैं रैपर। ठीक है, हाइट तो हाइट, हाँ इसकी रैप पैरेंट कर देते हैं, रैपर देते हैं। ठीक है, और उसकी पैडिंग 5 dp है, और उसके बाद ओरिएंटेशन हमने हॉरिजॉन्टल कर दी इसको। अब क्या करना है, अब इसमें हम टेक्स्ट व्यू लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ये लिस्ट है, मतलब ये जो लिस्ट है, ये जो है ना, जैसे ये नाम लिखा हुआ है, ये टेक्स्ट व्यू में है, और ये सर्कल में है, ये भी टेक्स्ट व्यू में। हम इसको डिज़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक टेक्स्ट व्यू लेते हैं, और इसकी जो विड्थ है वो हम खुद देते हैं 40 dp कर लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद इसकी जो हाइट है, हाइट हम इसकी भी दोनों सेम कर लेते हैं 40 dp। ठीक है, या क्लोज कर देते हैं। अब क्या करना है, अब सबसे पहले हम एक आईडी इसकी सेट कर लेते हैं। मैं इसकी जो आईडी मतलब जो सेट करूँगा वो कोई भी, मतलब आप कोई भी रख लेना, मैं ये आईडी सेट कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, हम टेक्स्ट देते हैं, टेक्स्ट को हम ब्लैंक छोड़ देते हैं, टेक्स्ट तो बाय डिफॉल्ट आएगा ना। और उसके बाद ग्रेविटी, ग्रेविटी करनी है हमने सेंटर वर्टिकल, उसके बाद इसको कर देते हैं सेंटर। ठीक है, ये जो मतलब आएगा, मतलब ये सेंटर में ऊपर से, मतलब वो बाय डिफॉल्ट इसको सेंटर में कर लेगा। और उसके बाद इसका जो हम देते हैं अब टेक्स्ट साइज, टेक्स्ट साइज इसका साइज हम ले लेते हैं 20 sp। और उसके बाद कलर, टेक्स्ट कलर, कलर हमने देना है वाइट, वाइट दे देते हैं ना, ये कलर दे देते हैं। और उसके बाद हाइट भी होगी हमारी। अब क्या करना है, एक और टेक्स्ट व्यू ले लेते हैं, सॉरी गाइस, टेक्स्ट व्यू सेम, इसकी जो मतलब हमने विड्थ रखनी है वो रखते हैं हम फिल पेरेंट, और इसकी जो हाइट होगी वो हम रखते हैं 50 dp।
आईडी सेट करते हैं। आईडी हम इसकी रख लेते हैं, उसका आईडी ना सेम रख लेते हैं, अंडरस्कोर नेम, मतलब उस आईडी आप ऐसे रखें जो आपको याद रहे। और उसके बाद नेक्स्ट दे देते हैं हम यूज़र नेम, समझ गए ना। ये जो आईडी थी मतलब ये सीरियल नंबर थे, जो पहले वाला टैक्स व्यू था ना, ये वाला, सॉरी गाइस, ये वाला पहला टैक्स व्यू, ये वाला सेकंड टैक्स व्यू। सेकंड टैक्स में बाय डिफॉल्ट हमने डमी में यूज़र नेम लिख दिया, इसको ब्लैंक इसलिए छोड़ा क्योंकि इसमें हम सीरियल नंबर लेकर आएंगे, ठीक है। चलो हम बाय डिफॉल्ट डम्मी नहीं, डम्मी दे देते हैं, बाद में देख लेते हैं, वन वन दे दिया, ठीक है। उसके बाद हमने इसकी आईडी भी दे दी, यूज़र नेम भी बाय डिफॉल्ट दे दिया, और विड्थ भी दे दी, हाइट भी दे दी, और अब हमने क्या करना है, ग्रेविटी, ग्रेविटी हमने करनी है इसकी सेंटर वर्टिकल करनी है, सेंटर वर्टिकल ये आ गया, ठीक है। और उसके बाद इसका साइज भी देना होगा हमको, साइज, सॉरी 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 गाइस, साइज इसका होगा हम कितना रखें, चलो 20 चलेगा ना, चलेगा 20 एसपी कर लेते हैं। और उसके बाद इसकी हाइट भी मार्जिन, थोड़ा सा मार्जिन कर लेते हैं, मतलब वरना वो साथ में लग जाएगा, ये देखो ना, ये दिखा देगा, ये देखो साथ में, थोड़ा सा मार्जिन लेफ्ट से दे देते हैं, मार्जिन लेफ्ट, मार्जिन इसका लेफ्ट से हम कर देते हैं 10 dp, बहुत है, बहुत है। हम थोड़ा सा जूम करके देखते हैं यहाँ से, ये देखो गाइस आपको दिख रहा है ना यूजर नेम, अब यहाँ तो कुछ नहीं है ना, वाइट है ना, इसलिए वो दिख नहीं रहा। अब इसको हम डिज़ाइन करते हैं, डिज़ाइन करने के लिए हमको एक ड्रॉवल एक्टिविटी लेनी होगी। अब हमने क्या करना है, यहाँ ड्रॉवल में जाएंगे, एक रिसोर्स फाइल हम चूज़ करेंगे, न्यू पे जाना है हमने, न्यू पे जाके एक ड्रॉवल रिसोर्स फाइल हम लेंगे, इसमें हम वो शेप डिज़ाइन करेंगे। इस मैं कोई भी सर्कल ले लेते हैं, ठीक है, सर्कल, देन ओके। ये मेरे पास गाइस बनकर आ चुकी है। सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, शेप, हमको शेप बनानी है, शेप ले लिया। अब उसके बाद यहाँ आपने क्या करना है, एंड्रॉयड शेप यूज़ करना है हमने, एंड्रॉयड शेप चाहिए हमको, ओवल। अब इसमें आते हैं, इसमें क्या करना है, सॉलिड, सॉलिड में जो एंड कलर चूज करते हैं, प्राइमरी चाहिए हमको, है ना, कोई भी ले लो, बैकग्राउंड कर लेते हैं, बट ये तो वाइट आ रहा है ना, कलर हमको चाहिए प्राइमरी कलर, ये ले लेते हैं, चलो वो फिर भी आ रहा है, वाइट नहीं चाहिए, कोई और चाहिए हमको, कलर चलो यही कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद इसको अब हमने करना है क्लोज, इसका काम खत्म हो गया। अब जो ये सर्कल है इसको क्लोज कर देते हैं। अब इसको क्या करना है, जो हमारी मतलब पहला टेक्स्ट व्यू है ना, उसमें बैकग्राउंड पे यूज़ करते हैं हम इसको, इसको यूज़ करते हैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में ड्रॉवल, है ना, ड्रॉवल पे हमने यूज़ सर्कल, ये आ चुका है। थोड़ा सा आपको जूम करके बता देता हूँ, ये देखो गाइस, ठीक है, अब ये आ रहा है ना, अब इसका जो टेक्स्ट, मतलब इसका जो टेक्स्ट था ना, वो हमने वाइट करना है, कलर तो वाइट है इसका, वाइट
ठीक है, अब इसको हम रन करवा के देखते हैं कि हमारी आउटपुट क्या आ रही है। मतलब ये इसको प्रॉपरली हम यहाँ हमारी आईडी आएगी, जो यहाँ हमारा यूज़र नेम आएगा, हम जस्ट सिर्फ आईडी और यूज़र नेम फेच करवाएंगे। ठीक है, अब हम इसको रन करवा के देखते हैं हमारी आउटपुट कैसे आएगी। तो ये था हमारी आज की वीडियो में कि एंड्रॉयड में मतलब हम लिस्ट व्यू प्रॉपरली कैसे डिज़ाइन करेंगे, और जो हमारी आउटपुट आएगी वो एक लिस्ट व्यू में आएगी। ठीक है, मैं आपको आईडी और यूज़र नेम फेच करवा के जैसन के ज़रिए आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, वरना ये वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मैं थोड़ा सा अपनी वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि ये रन करने में थोड़ा सा टाइम लेता है, ताकि मेरी वीडियो लेंथी ना हो जाए। ठीक है, हेलो गाइस, हमारी जो ऐप है वो रन हो चुकी है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि वो लिस्ट व्यू तो नहीं शो होगी, रन हो जाएगा वो लिस्ट व्यू जब हम डाटा फेच करवाएंगे उसी में शो होगा। ठीक है, और ये है हमारी मतलब एक्टिविटी डेमो जिसमें हम काम कर रहे हैं, और इसमें मैंने एक बटन लगाया है, इस पर जब मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास नेक्स्ट एक्टिविटी शो होगी। ठीक है, अब ये है डेमो, वो मैंने इसलिए लगा दिया क्योंकि लिस्ट व्यू तो शो नहीं होगी, इसमें जब डाटा आएगा एरे अडैप्टर में तब हम इसको ये प्रॉपर लिस्ट शो होगी। ठीक है, मैंने वैसे ही डमी के लिए टेक्स्ट व्यू लिख दिया है, इसलिए वो शो हो रहा है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए, क्योंकि लिस्ट व्यू तो नहीं शो हो रही, वो इसलिए नहीं शो हो रही क्योंकि डाटा हमने वो जो फेच करवाया वो एरे अडैप्टर से नहीं आ रहा, और तो वो तो डमी है ना, इसलिए जब हम अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे डाटा प्रॉपरली फेच करेंगे। ठीक है, ये है मेरा लास्ट वीडियो में, मतलब इसी वीडियो में मैंने आपको बताया कि एक्सएमएल में मतलब एक लेआउट कैसे सेट करते हैं लिस्ट व्यू में। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डाटा कैसे फेच करते हैं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब, ताकि मैं आपको ऐसी एंड्रॉयड की और लेटेस्ट वीडियोज़ आपको बताता रहूँ। थैंक यू गाइज़, तो चलिए मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।